वेलकम अगेन गाइस। दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट वाले पेपर से जो 30 जून को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है उस पेपर का। क्या बोला है कि 12 बॉयज डिसाइड टू कंट्रीब्यूट 750 रुपीज ईच टू एन ऑर्फनेज। ओके, 12 लड़के ये डिसाइड करते हैं कि वो 750 रुपये डोनेशन देंगे किसी ऑर्फनेज में। सडनली फ्यू ऑफ द बॉयज ड्रॉप्ड आउट। कुछ बीच में क्या हुआ कि कुछ लड़के छोड़ के चले गए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दी, एंड कंसिक्वेंटली द रेस्ट ऑफ द बॉयज हैड टू पे रुपीज 150 मोर ईच। और जो लड़के छोड़ के गए, उनके छोड़ने की वजह से बाकी जो बॉयज बचे थे उनको 150 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ा। दैट मीन्स कि पहले जब 12 बॉयज थे तब वो हर एक 750 भरते थे, अब जितने भी बचे उनको एक तो ये पहला वाला 750 भरना पड़ेगा, प्लस उसमें जाएगा जो इनको एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। एक्स्ट्रा यहाँ पे 150 भरना पड़ा। दैट मीन्स 750 प्लस 150 गिव्स अस 009 900 रुपीज हर एक बंदे को भरना पड़ा जब कुछ बंदे छोड़ के गए। ओके, तो हमें हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज हु ड्रॉप्ड। हमें बोला है कि ऐसे कितने लड़के थे जो छोड़ के चले गए। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन होनी थी पहले 12 बॉयज की वजह से वो कितनी होनी चाहिए थी। तो हम ऐसे लिखेंगे अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड। वो है 12 बॉयज थे और हर एक लड़का 750 भरता था। दैट मीन्स हमारे पास मिलता 9000। ओके, 9000 रुपीज टोटल कंट्रीब्यूशन मिलती अगर ये सारे 12 बॉयज 750 भरते। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ लड़के छोड़ के गए हैं। ओके, और बाकी जितने बचे हैं उनको टोटल 900 रुपीज भरना पड़ रहा है। ओके, दैट मीन्स अब हमें पहले पता करना है कि ऐसे कितने लड़के थे जिन्होंने 900 रुपीज भरे। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज हु कंट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। हमारे पास जितना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होनी थी वो था 9000, और इसमें हम डिवाइड करेंगे कि जो बाकी बचे हुए लड़के हैं उन्होंने जितना भरा। ओके, हर एक लड़के बचे हुए लड़कों में से हर एक ने 900 रुपीज भरे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे मिलेगा 9 ones 9 tens। तो टोटल 10 बॉयज ऐसे हैं, टोटल 10 बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने सारी कंट्रीब्यूशन की। ओके, अब टोटल तो हमारे पास 12 बॉयज थे, 12 में से 10 बॉयज ने कंट्रीब्यूट किया, बाकी जितने बचे 2 लड़के उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं की। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है ऐसे कितने लड़के हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं की। दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, कोई मसला नहीं है इसमें। क्या पूछा है 39 क्वेश्चन में। 39 क्वेश्चन में पूछा है ए पोटैटो सेलर सेल्स 60% ऑफ द टोटल पोटैटोज। ओके, एक पोटैटो सेलर के पास जितने भी पोटैटोज हैं उनमें से 60% वो बेच देता है, एंड स्टिल हैज 240 kg लेफ्ट। अब बेच 60% बेचने के बाद उसके पास फिर भी 240 kg है। तो इसने क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ द पोटैटोज ही हैड ओरिजिनली। तो ओरिजिनली उसके पास कितने पोटैटोज थे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम सबसे पहले मानेंगे कि इसके पास जो टोटल अमाउंट था, टोटल पोटैटोज थे वो एक्स केजीज थे, नहीं पता हमें। ओके, तो एक्स केजीज में उसने 60% बेच दिया। दैट मीन्स इस टोटल एक्स में से हम 60% माइनस करने वाले हैं, 60% ऑफ एक्स, इसी एक्स का 60% माइनस होगा इसमें से। वो कितना बचेगा, वो जितना भी बचेगा वो इसने दिया हुआ है, इसके पास जो बचता है वो बचता है 240 kg।
240. ओके, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फास्ट. यहाँ से x माइनस 60 बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240. और यहाँ से एक ज़ीरो एंड यहाँ से मिलेगा 2 3 6 2 5 10. तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 3/5 एक्स इज इक्वल टू 240. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 240. दिस इम्प्लाइज यहाँ से मिलेगा 2x बाय 5 इज इक्वल टू 240. और यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि ये 5 यहाँ चला जाएगा और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा. x मिलेगा 240 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहाँ से 2 1s 2 1s 2 2s और ये 0. तो यहाँ से मिलेगा 120 इंटू 5, वो मिलेगा 0 0 1 6. 600 kg इसका ओरिजिनल अमाउंट था. तो इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा बी पार्ट. थैंक यू.